नमस्कार, मैं अजीत कुमार आज अपने पिताजी के साथ में यहाँ हाजिर हूँ। पिताजी आज आपको हिंदी की काव्य सुनाएंगे और उसके बारे में पूरी विवेचना आप इन्हीं से सुन लेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हाँ, मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। मैं आप लोगों को रश्मि रथी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। रश्मि रथी दिनकर जी के लिखा हुआ काव्य है, उसमें से थोड़ा सा हम तृतीय स्वर में से कुछ कहना चाहते हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को कि उस समय पांडव लोग वन से आए, 12 वर्ष वनवास काटने के बाद, और लेकिन याचना की अपने दौलत के लिए, फिर भी दुर्योधन उसको देने के लिए तैयार नहीं था। इसी के विषय में इसमें वर्णन है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिष्ट तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है गए और क्यों ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, उद्योग निरत नियत रहते हैं, सूलो का मूल नसाने को, बड़े खुद भी परछाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके बिर नर के मग में, खम ठोंक ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखर, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उतियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोश नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुडन, झरती रस की धारा खंड, मेहदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं के सिंगार, जो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, बस धाका नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल यश केता कौन हुआ, नौ धर्म प्रेरणता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर, वसुधा और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, बरसा अंधर आता पखंड, पौरुष के है साधन भजन, वन में प्रसून तो मिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकनियां जिनकी से सुगढ़, छाया देती केवल नंबर, विविधाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लक्षा गृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर में रेता जा, जीवन का रक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, तृतीय सर का प्रथम खंड है यहाँ तक, इसके द्वितीय खंड शुरू होता है। अब तृतीय सर का मैं दूसरा खंड में कहने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बरसों तक मन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुन चुन, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और लिखकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बताने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसन उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दी गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख मुझ में संसार सकल, यह देख मुझ में झंकार सकल, दिखते जो सारे नक्षत्र निकल, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख,
मुझ में सारा ब्रह्मांड दे, यह देख सृष्टि का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई यह भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर पड़ी क्या लाया है, मुझे बांधना चाहे मन, पहले साथ अनंत गगन सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। शीत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता, याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान मुंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघात थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ करे पर मुद्दित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये जो है क्या रश्मि रथि के तृतीय संघ का दूसरा खंड था, तो अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे, अब तो हमारा उम्र भी वैसा नहीं है कि आगे, याद है हमको बहुत इसके आगे भी, लेकिन हो नहीं पाएंगे उतना अधिक देर, तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम विराम लेते हैं।